ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਸੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਾੜੀ ਲਾ ਗਈ ਮਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੰਦਰ हाँ जी दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हैं कि जितनी भी जनता है वो ग्राउंड जीरो पर हम अब जा रहे हैं और वहाँ जो नंदी बार बार उस जंगल में जो गोले दबाए जा रहे हैं किस वजह से जो रोजी कुत्ते हैं वो भी आ रखे हैं टीम आ रखी है आप मेरे पीछे देख रहे हैं अभी ग्राउंड जीरो पर हम जा रहे हैं आज रात पूरी रात जंगल में बिताने वाले हैं चलो कर लो कवरेज अटवी मारो काम मेरा तो हां 22% काम जिया के अब सर्च ऑपरेशन के मई लाइव तस्वीर कैप्चर करी है विजुअल है जक भी थे देख सको आपने सागे खुला ही तू शिव साहब मौजूद है नरेंद्र जी और कम से कम अब मानना तो 2.5-3 घंटा सर्च ऑपरेशन चलियो लेकिन एक छोटी सी पोर्टली जरूर मिली बा पूरी आप जानकारी ला अपने सागे तीन अधिकारी मौजूद है आओ नमस्कार सर नमस्कार आज ये एंटी सबोटाज चेकिंग की टीम हमने बुलाई थी क्योंकि आशंका थी कि कुछ और भी शायद हो सकता है इस तरह के पोटास वगैरह दवा के रखे हैं डॉग्स पर भी बुलाया था तो उसमें सर्च किया हम तीन घंटे दोनों ये नहर के दोनों तरफ काफ़ी बंजड़ एरिया है दोनों भी आते हैं और वहाँ पर सुनिंग क्षेत्र देखा हुआ बहुत पुरानी सी पुरानी पढ़ने के बाद मेरे हिसाब से और भी जी आपने सागे मौजूद है आऊं बात करा काफी जानकारी आज की तरफ आपने देखा सर तो ऑपरेशन में जो सागे है लाइव कवरेज की कुछ है जानकारी मिशन यहाँ एक्चुअल में क्या कि जंगली सूरों के शिकार के प्रवृत्ति से लोग बाज शिकार करने की प्रवृत्ति से ये गन पाउडर ये गंदरा पोटास को कुछ उसमें कंकर पत्थर और ये जो साइकिल की गोलियाँ होती हैं लोहे की उसको कपड़े की पोटली में बांध करके और उसमें गंदरफ और पोटास डाल देते हैं टिकिया बना देते हैं उससे के पोटली के चारों तरफ या तो कोई ऐसा पदार्थ सुगंधित लगा देते हैं जिससे जंगली सूर उसको खाने के लिए एक्टिव है या फिर आटे को भी लगा देते हैं उसको लाल कपड़े की पोटली में बांध करके वो जहाँ जंगली सूर का आने के जाने का रास्ता होता है आम पानी पीने के लिए आती हैं यहाँ नहर के ऊपर तो वो उनके रास्ते में आती है तो उसको वो खाते हैं जो ही मुँह में चबाते हैं तो वो एक्सप्लोजिव होता है गंदरफ पोटास मिलाई होती है वो फट जाता है उसी के पर्पज़ शिकार के पर्पज़ से ये लोग हाँ क्या हम लोग काम में लेते हैं शिकारी आदमी जो एक सफेद है उसको क्या बोलते हैं वो एक्चुअल में क्या है कि कोटी बोलते हैं उसको अच्छा और वो नहरों के अंदर अमूमन बहुत ज़्यादा मिल जाती है उसको क्या है कि धागे के अंदर पिरो लेते हैं धागे के अंदर उसको पिरो के वो एक बन जाती है तो उसको सूर चबाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है ताकि उसमें पता नहीं चलता कि लोहे की चीज़ चबा रहे हैं अपने की हड्डी चबा रहे हैं वो हड्डी टाइम में आती है सफ़ेद कोटी
नहरों के अंदर मिलती है वो कोई मछली का कोई अंग है तो उसको खा करके वो खाते हैं तो वो खटकर एक उसमें जो कंकर होता है क्योंकि पत्थर में आग लगती है लोहे की गोलियां डालते हैं अच्छा और वो हड्डियां डाल देते हैं अच्छा उससे विस्फोट होता है तो वो जबड़े को जानवर के जबड़े को फाड़ते हैं। और एक बार अपनी टीम का नाम DDS टीम जोन बीकानेर हमारे इंसार्ज शैलेंद्र जी हैं और मैं भी टीम का सदस्य हूँ मोहर सिंह कांस्टेबल आपका जोन बीकानेर शैलेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर बीकानेर से ASC DDS टीम में CO साहब की सूचना पर हम यहाँ पहुँचे और मतलब 2.5-3 घंटे हमारी टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया जिसमें संदिग्ध रूप से एक वो पोटली जैसे कि अभी मोहर सिंह जी ने बताई वो मिली है लेकिन वो काफ़ी पुराना है तो इफेक्टिव नहीं है वो पोटास बरसात में भीग के निष्क्रिय हो गया उसके अलावा कोई संदिग्ध अभी मिला नहीं मतलब एक बार जो बारिश में जी एक बार जो बारिश में ये जाने के बाद फिर वो काम नहीं करती निष्क्रिय हो जाती है वो पता का होता है वो अनिष्क्रिय होता है वैसे निष्क्रिय